डियर फ्रेंड गाइड एंड ट्रेनर, आज मैं आपके लिए टॉपिक लेकर के आई हूँ आर्टिकल्स, जिसका फर्स्ट पार्ट आप पहले ही स्टडी कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने डिस्कस किया था आर्टिकल ए और एन के बारे में, मीन्स अ एंड एन। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डेफिनेट आर्टिकल, और वो है हमारा द, द या दी। इसके बारे में भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे इस वीडियो के, कि हम कहाँ द बोलते हैं और कहाँ हम थी को ही हम दी बोलते हैं। बट उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि ये जो वर्ड द है, ये जो आर्टिकल द है, ये कहाँ कहाँ यूज होता है। तो जैसा कि इसका नाम है डेफिनेट आर्टिकल, इसको डेफिनेट आर्टिकल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पर्टिकुलर थिंग या स्पेसिफाइड थिंग्स या स्पेसिफाइड प्लेसेस से पहले ये द यूज होता है। लेकिन कहाँ हम उसे द बोलते हैं या कहाँ दी बोलते हैं, ये बहुत कम लोगों की जानकारी में होता है। इसके बारे में भी मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताऊंगी, तो लास्ट तक आपको वीडियो देखना है। और अभी हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले मैंने लिखा है बिफोर द नेम्स ऑफ रेंज ऑफ द माउंटेन, जो माउंटेन रेंजेस होती हैं, तो माउंटेन रेंजेस से नेम, माउंटेन रेंजेस के नेम से पहले हम द का यूज करते हैं। माउंटेन रेंज का मतलब क्या होता है? अगर कोई एक सिंगल माउंटेन है तो इसे हम माउंटेन बोलेंगे, ये पोर्शन इसका पीक हो जाता है, मीन्स छोटी हो जाती है। लेकिन अगर इसके साथ और भी माउंटेन्स जुड़े हुए हैं तो ये सीरीज ऑफ माउंटेन है, जिसे हम माउंटेन रेंज कहते हैं। ओके, तो इस माउंटेन रेंज के नाम से पहले हम द का यूज करते हैं। और हमारे कंट्री में तो बहुत ही अच्छा हमारा एक एग्जाम्पल है, और वो है द हिमालयस, द हिमालयस। जो ये हिमालय रेंज है, वैसे तो अगर इसके बहुत डीप में जाओगे तो आप देखोगे ये भी थ्री रेंजेस में डिवाइड है, द हिमाचल रेंज, द हिमाद्री रेंज, लेकिन जो ओवरऑल जो टोटल रेंजेस है उनको हम द हिमालयस कहते हैं। और हिमालयस ये रेंज का नाम है, उससे पहले हमने क्या लगाया, द लगाया। उसी तरीके से अगर आप देखें तो एंडेस माउंटेन रेंज है, ठीक है, एंडेस माउंटेन रेंज है, जो कि बहुत बड़ा एक्सटेंट माउंटेन का एक्सटेंशन है, सीरीज है माउंटेन्स का, और ये बहुत अच्छे एग्जांपल्स हैं जो आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। बट जरूरी नहीं है सिर्फ यही, कोई भी रेंज हो माउंटेन का, उसके नेम से पहले आप क्या यूज करेंगे, द यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नंबर टू पे, बिफोर द नेम्स ऑफ द रिवर्स, जो नदियों के नाम होते हैं, जो नदियां हैं उनके नाम से पहले हमें क्या करना है, द यूज करना है। और फिर से हम हमारे देश का, हमारे कंट्री का ही एक होली रिवर ले लेते हैं, और वो है द गंगा, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक नेम इंडिया का लिया है और एक जो इंटरनेशनल लेवल पे एक मैंने माउंटेन रेंज ले लिया है जो कि आउट ऑफ कंट्री है, ठीक है ना। ओके, ये मैंने लिया द गंगा, आप इसे पढ़ सकते हैं, या द गैंजीज भी बोलते हैं, दैट इज ऑल्सो करेक्ट, इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है। ओके, और दूसरा मैं ले लेती हूँ द नाइल, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का एक रिवर है जो कि आई कैन से इट इज द लार्जेस्ट रिवर ऑफ द वर्ल्ड, ओके नाइल। और ये नदियां तो ठीक है, बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं जिनका हमने नाम ले लिया, लेकिन कोई और भी रिवर हो, चाहे वो अमेजॉन हो, यमुना हो, ब्रह्मपुत्र हो, या इंडस हो, किसी भी नदी के नाम से पहले आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, द यमुना, द गैंजीज, द अमेजॉन, द नाइल, द ब्रह्मपुत्र एंड सो ऑन, ठीक है। चलिए अब आ जाते हैं हम थर्ड पॉइंट पे, जो कि है, अभी हमने बात की रिवर्स की, अब हम बात करते हैं रिवर बेसिन्स की। रिवर बेसिन्स क्या होती है? वो एरिया, वो लैंड का वो एक्सटेंशन जो कि एक पर्टिकुलर रिवर जो उस एरिया से होकर के गुजर रही है, वो उस लैंड को ड्रेन करती है, उस रिवर का पानी वहां तक पहुंचता है, ठीक है ना, तो उसे हम रिवर बेसिन कहते हैं। तो वो कोई भी रिवर बेसिन हो सकता है, हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लिया द अमेजॉन बेसिन, ठीक है, या रिवर बेसिन हम कह सकते हैं उसे, हमने कह दिया द, या हमने फिर से नाम ले लिया गैंजीज या गंगा का, द गंगा बेसिन, ठीक है। तो रिवर बेसिन्स हैं, उनके नेम से पहले भी हम क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। फिर बारी आती है हमारे गल्फ्स एंड
बेस की, गल्फ या बेस का मतलब होता है खाड़ी, ओके। और ये जो खाड़ी होती है इनके नाम से भी पहले द लगता है। हम सबसे पहला नाम ले लेते हैं द बे ऑफ बंगाल। ये पूरी दुनिया का लार्जेस्ट बे है या लार्जेस्ट गल्फ है, ओके। उसके बाद हम कोई भी और एग्जांपल ले सकते हैं, द मैक्सिको, द मैक्सिकन गल्फ या मैक्सिको गल्फ, ठीक है ना। तो ये भी एक एग्जांपल हो सकता है, और भी बहुत सारे ऐसे पर्शियन गल्फ है, कुछ ऐसे एग्जांपल हो सकते हैं। मीन्स गल्फ के नेम से पहले आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा बिफोर द नेम्स ऑफ द डेजर्ट्स। डेजर्ट मीन्स क्या होता है, रेगिस्तान। रेगिस्तान के नाम से भी पहले हम द का यूज करेंगे। उसके लिए मैं यहां लिख सकती हूँ द सहारा डेजर्ट या फिर द थार डेजर्ट, और भी हो सकता है द गोबी डेजर्ट, या कोई भी डेजर्ट से नाम से पहले आप क्या यूज करेंगे, द का यूज करेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं हम हमारे ओशंस। ओशंस मीन्स क्या होते हैं, महासागर। तो कोई भी महासागर है उसके नाम से पहले हम द का यूज करेंगे। उसमें हम सबसे पहले नाम लेते हैं द पैसिफिक ओशन, जिसे हम हिंदी में प्रशांत महासागर बोलते हैं। दूसरा नाम मैं ले लेती हूं द इंडियन ओशन, जिसे हम हिंदी में हिंद महासागर के नाम से जानते हैं, ओके ओके। नेक्स्ट आ जाते हैं हमारे सीज, समुद्र। हमारे समुद्र के नाम से पहले भी द का यूज होगा। इसके लिए मैं ले सकती हूँ एग्जाम्पल द डेड सी। डेड सी ले लिया हमने, मेडिटेरेनियन सी है, द रेड सी है। एक एग्जाम्पल मैं और ले लेती हूँ द अरेबियन सी, ठीक है। तो इन सब के नाम से पहले सी, कोई भी हो, समुद्र, ओशन मीन्स होता है महासागर, सी मीन्स होता है समुद्र, इनके नाम से पहले क्या यूज होगा, द यूज होगा। नेक्स्ट आते हैं हमारे कनाल्स, बिफोर द नेम्स ऑफ द कनाल्स। कनाल्स मीन्स क्या होती हैं, नहरें होती हैं। नहरों के नाम से भी पहले द का यूज होता है। इसमें एक एग्जांपल मैं ले लेती हूं द पनामा कनाल। दूसरा एग्जांपल द स्विस कैनाल हो सकता है, और भी कोई कनाल्स के नेम है तो उनके नेम से पहले हम द का यूज करेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बिफोर द नेम्स ऑफ द ग्रुप ऑफ लेक्स। जो हमारे लेक्स होते हैं, झील होती हैं, उनका अगर ग्रुप है तो उनके नेम से पहले हम द का यूज करेंगे। और जहां कहीं भी इस तरीके से क्लस्टर ऑफ लेक्स होती है, बहुत सारी लेक्स का कलेक्शन होती है, तो उस पूरे के पूरे ग्रुप को कभी एक नाम दे दिया जाता है, एक्चुअली उस नाम से पहले हम द का यूज करेंगे। अगर इंडिविजुअल कोई लेक है तो उसके नाम से पहले हम द का यूज नहीं करेंगे, इस बात का हमको ध्यान रखना है। तो हम यहाँ पे नाम लिख सकते हैं द ग्रेट लेक्स। ये ग्रेट लेक्स आई थिंक वर्ल्ड में सबसे बड़े झीलों का समूह है जिसका नाम है द ग्रेट लेक्स, और उसके नाम से पहले हम क्या लगा दिए, द आर्टिकल का यूज करें। हम जो आइलैंड्स का ग्रुप होता है, द ग्रुप ऑफ आइलैंड। अगर कोई एक द्वीप है उसके नाम से पहले हम बिल्कुल भी द नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर वो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, मीन्स छोटी छोटी आइलैंड्स, उनका एक पूरा समूह है, और उस समूह को अगर हमने कोई नाम दिया है तो सर्टेनली हम उस नाम से पहले द लगाएंगे। उसका एक बहुत अच्छा सा एग्जाम्पल हमारे देश में ही है, हमारे देश का ही अंग है, वो है द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, या फिर हम लिख सकते हैं द लक्षद्वीप आइलैंड्स। और फिर से वही बात कि यहां पे हमने लेक्स की बात की कि सिर्फ सिंगल नेम से पहले हम द नहीं लगाएंगे, लेकिन अगर ग्रुप है तो हम जरूर द लगाएंगे। उसी तरीके से आइलैंड्स की बात कर रहे थे कि अगर अंडमान निकोबार आइलैंड्स, जैसे मैंने बोला, तो ये पूरा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, उससे पहले हमने द लगाया। अगर सिंगल आइलैंड होता तो उससे पहले हम द नहीं लगाते, ओके। दी अंडमान निकोबार आइलैंड्स, उसी तरीके से दी अमेजॉन बेसिन, और यहां पे हमने लिखा हिमालयस या एंडेस, क्योंकि ये माउंटेन रेंज है।
अगर ये सिंगल माउंटेन होता कोई, उसके नाम से पहले, सिंगल माउंटेन के नाम से पहले हम कभी भी दा नहीं लगाते और ना ही किसी माउंटेन पीक के नाम से पहले दा लगाते हैं, ठीक है। जैसे कंचनजंगा या माउंट एवरेस्ट या माउंटेन पीक का नेम है, हम इससे पहले द नहीं लगाएंगे। इन बातों का हमें ध्यान रखना है। हम मूव कर चुके हैं 11th पॉइंट की तरफ, जो है बिफोर द नेम्स ऑफ द प्लेटियस। प्लेटियस मींस क्या होते हैं? पठार। और पठार हमारे जियोग्राफी का ऑफ कोर्स एक हिस्सा है, जिसमें जो फ्लैट लैंड होता है, प्लेन लैंड होता है, उससे ऊपर का जो पोर्शन होता है, जो उठा हुआ पोर्शन होता है, जिसे हम बोलते हैं माउंटेन से नीचा, लेकिन समतल जमीन जो होती है उससे उठा हुआ भूभाग, और कोई छोटा सा लैंड नहीं होता, वो एक बहुत बड़ा ट्रैक ऑफ लैंड होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं? प्लेट्यू बोलते हैं, पठार बोलते हैं। और उन पठारों के नाम से भी पहले हम क्या यूज करते हैं? द यूज करते हैं। और जैसे हमारे कंट्री का ही हम फिर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, द डेक्कन प्लेट्यू, या फिर द छोटा नागपुर प्लेट्यू, या कोई भी प्लेट्यू हम ले सकते हैं, ठीक है ना। कोई भी प्लेट्यू के नेम से पहले हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बिफोर द नेम्स ऑफ द पोल्स। पोल्स मतलब वो पोल्स नहीं कि इलेक्ट्रिक पोल्स या समथिंग लाइक दैट। पोल्स का मतलब वो इमेजिनरी पोल्स जो हमारे अर्थ के ऊपर हम मानते हैं कि ये हमारा नॉर्थ पोल है, ये हमारा साउथ पोल है। तो जब कभी भी हम नॉर्थ पोल बोलेंगे और साउथ पोल बोलेंगे, तो उससे पहले हम द जरूर लगाएंगे, ठीक है ना। वी विल से द नॉर्थ पोल और द लगाएंगे हम जरूर। द साउथ पोल, ओके। नेक्स्ट, बिफोर द इमेजिनरी जियोग्राफिक लाइंस। इमेजिनरी जियोग्राफिक लाइंस क्या है? हमारा जो अर्थ है उसके ऊपर हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हुई है, हमने उस पे इक्वेटर ड्रॉ किया हुआ है, जिसे हम मानते हैं कि ये अर्थ का बीचों बीच का हिस्सा है। उससे हम उसको उसके थ्रू हम अर्थ को नदर हेमिस्फीयर और सदर हेमिस्फीयर पे ग्लोब को हम डिवाइड कर देते हैं। अब बहुत ज्यादा जियोग्राफी के डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, इतना आप सभी जानते हैं कि हमारे अर्थ के ऊपर हमने इमेजिनरी लाइंस ड्रॉ की हुई है। उसको बेटर स्टडी करने के लिए या पर्टिकुलर कंट्री का या प्लेस का पर्टिकुलर लोकेशन बताने के लिए, तो उन इमेजिनरी लाइंस का हमने कुछ नाम भी रखा हुआ है। उन नामों से पहले भी हम द का यूज करेंगे, जैसे कि द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ठीक है, हमने लिख दिया द ट्रॉपिक। अब नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिफोर द नेम्स ऑफ द वाटरफॉल्स। जो वाटरफॉल्स होते हैं, जो बहुत बड़े बड़े झरने होते हैं, उनके नाम से पहले भी हम द लगाते हैं। जैसे कि हमने लगा दिया, यहां लिख दिया नाम, द विक्टोरिया फॉल, इसके नाम से पहले भी हमने द लगा दिया। और ऐसे कोई भी बड़े कैटरेक्ट्स हैं, वाटरफॉल्स हैं, उनके नाम से भी पहले आप द लगाएंगे। नेक्स्ट, बिफोर द नेम ऑफ द डायरेक्शन। वैसे तो हमारी फोर मेन डायरेक्शंस होती हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ, और साथ ही साथ जो उनके कॉर्नर्स होते हैं, नॉर्थ ईस्ट हो गया या नॉर्थ वेस्ट हो गया, ये जो कॉर्नर्स होती हैं उनके नेम से भी पहले हम द का यूज करते हैं। जैसे कि हमने लिखा यहाँ पे द नॉर्थ, द साउथ एंड सो ऑन, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ द म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होती हैं, जो वाद्य यंत्र होते हैं हमारे, उनके नाम से भी पहले हम द का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये हमने लिखा द तबला, द सितार, द हारमोनियम, द गिटार, ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ द हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जिसको हम हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। एक्चुअली वो हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स ही होती हैं, तो उनके ऐतिहासिक इमारतों के नाम से पहले हम द लगाते हैं। कितनी सारी ऐतिहासिक इमारतें हैं हमारे कंट्री में, हमने लिख लिया द फर्स्ट वंडर ऑफ द वर्ल्ड, दैट इज द ताज महल, द
द ताजमहल लिख दिया हमने, ठीक है, हमने लिख दिया द आगरा फोर्ट। ऐसे कोई भी हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट हो उसके नाम से पहले आप क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा बिफोर द नेम्स ऑफ द वॉर्स और द बैटल्स, चाहे वो युद्ध हो या महायुद्ध हो या मॉडर्न टेक्निक से लड़ा हुआ युद्ध हो या बहुत पुराने एंटीक तरीके से फाइट किया गया, तलवार से लड़ा गया युद्ध हो, किसी भी नाम से पहले हम द लगाएंगे। जैसे कि द बैटल ऑफ पानीपत, द बैटल ऑफ पानीपत जो कि 1526 में हुआ था, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में ये युद्ध लड़ा गया था, ठीक है ना। और ऐसे 3 बैटल्स हो चुके हैं, तो ये बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ पलासी, किसी भी नाम से पहले आप द लगाते हैं। उसी तरीके से द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, दो ही वर्ल्ड वॉर हुए हैं एंड आई विश थर्ड कभी भी ना हो, ताकि पूरी दुनिया का विनाश कभी भी ना हो, ठीक है ना। ओके, तो ये बैटल्स या जो वॉर होती है उनके नाम से भी पहले हम द लगाते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कब से कब तक हुआ था, फ्रॉम 1914 टू 1900। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा बिफोर द नेम्स ऑफ द न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर्स के नेम से पहले हम द लगाएंगे, जैसे कि द टाइम्स ऑफ इंडिया या फिर द हिंदू, द हितवादा, द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान टाइम्स, ये सारे फेमस न्यूज़पेपर्स हैं जिनके नेम से पहले हम क्या द लगाते हैं, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स हैं। नेक्स्ट आता है हमारा बिफोर द नेम्स ऑफ द यूनिक थिंग्स, यूनिक मतलब जो सिर्फ एक है इस पूरी दुनिया में हमारे लिए, उसके नाम से पहले हम द लगाते हैं, जैसे कि द सन। स्टार्स तो बहुत सारे हैं लेकिन एक स्टार है जिसका नाम सन है और ये यूनिक है, इसके पहले हमने द लगाया। द मून, सैटेलाइट्स बहुत सारी हैं अदर प्लैनेट्स की, लेकिन अर्थ के पास तो उसका एक ही सैटेलाइट है और यूनिक है, वो है द मून। उसी तरीके से द स्काई, द अर्थ या फिर कुछ ऐसी यूनिक थिंग्स, द एनवायरमेंट, इन सब के नाम से पहले हम क्या लगाते हैं, द लगाते हैं। तो ये हो गए आज के टोटल 20 एक्सरसाइजेस ऑन द, द कहाँ कहाँ यूज होते हैं, ऐसे हमने 20 फील्ड्स देखी जहां पे हमको द का यूज बिल्कुल आंख बंद करके करना है। ये सब तो याद रखने वाली बातें हैं, इसके नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ समझने वाली भी बात करेंगे जहां पे हमें अपना दिमाग लगा करके द यूज करना है, ठीक है। तो इसका नेक्स्ट पार्ट भी आपको जरूर देखना है, लेकिन उससे पहले जो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में प्रॉमिस किया था आपसे कि मैं आपको बताऊंगी कि कहां इस THE को हम द पढ़ते हैं और कहां हम इसे दी पढ़ते हैं, तो स्पेलिंग तो चेंज नहीं होती, ये द ही रहता है, लेकिन हम कभी बोलते हैं इसको द, हम इसे बोलेंगे द डेक्कन प्लेट्यू या द नॉर्दर्न पोल या द नॉर्थ पोल या द साउथ पोल, लेकिन हम बोलेंगे द आगरा फोर्ट, द एंड। पर क्यों? बहुत सिंपल है, जिस तरीके से जब हमने आपसे वीडियो के फर्स्ट पार्ट में ए और एन के बारे में डिस्कस किया, तो हमने आपको बोला कि आप सिर्फ ये मत देखिए कि वो वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, आप ये देखिए कि वो वॉवेल साउंड कर रहा है या कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है। वही बात आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, अगर आप द के बाद कोई वर्ड लिख रहे हैं जिसका फर्स्ट लेटर अगर वो वॉवेल साउंड कर रहा है फर्स्ट लेटर, तो आप वहां पे इस द को दी पढ़ेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा आगरा फोर्ट, तो यहाँ पे ये वॉवेल साउंड कर रहा है आ, आगरा, अ आ, आ एक वॉवेल है, एक स्वर है, तो यहाँ पे आप द को पढ़ेंगे दी, आप बोलेंगे दी आगरा फोर्ट, यहाँ पे दी पढ़ेंगे। बट अगर यहाँ पे आगरा फोर्ट की जगह हम इसको कर दें रेड फोर्ट, तो ये व्यंजन हो गया ना, यहाँ पे र का प्रोनाउंसिएशन हमें सुनाई दे रहा है, तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे द रेड फोर्ट। उसी तरीके से मैंने बोला दी एंड, दी एंड
एंड यहाँ पे स्वर का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए हम इससे पहले पढ़ेंगे द। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है, ये बहुत बहुत कम लोगों को जानकारी होती है और विश्वास नहीं होता, पूछ के देख लीजिएगा कि कहाँ पे हम द पढ़ते हैं, कहाँ पे दी पढ़ते हैं। ठीक है, आपको बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स मिलने वाले हैं। तो चलिए, आज के ये हो गए हमारे टोटल 20 पॉइंट्स जिनके बारे में हमने डिस्कस किया। आई होप सो ये सारी चीजें आप याद रखने वाले हैं और अपने लैंग्वेज में अब ये गलती नहीं करने वाले हैं और अपने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी। हाँ, लेकिन इसका अभी वन पार्ट बच गया है जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, उसका वेट कीजिए और तब तक इन सारे पॉइंट्स को अपने माइंड में अच्छी तरीके से सेट कर लीजिए, रिवाइज कीजिए, पढ़िए और पढ़ाइए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन यू हैव टू टेक केयर। हाँ हाँ, लेकिन उससे पहले आपको क्या करना है, आपको इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर कॉन्टेंट पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिए, मुझे कॉमेंट भी कीजिए, इससे मुझे एनकरेजमेंट मिलता है। और अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय बाय।